हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, सी प्रोग्राम कैसे होते हैं, कैसे उसमें डू व्हाइल लूप जो है काम करता है, ये सारी चीजें जो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले हम जो है सी का जो है इंट्रो देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी को जो है किसने इन्वेंट किया था, कब जो है ये बनी थी और कैसी लैंग्वेज है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का वो किस तरीके का होता है, ये जान लेते हैं तभी हम जो है समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज आर द वे इट स्टोर डाटा, हाउ इट अकॉम्प्लिश इनपुट एंड आउटपुट एंड द ऑपरेटर इट यूजेस टू ट्रांसफर एंड कंबाइन डाटा। मतलब तीन एस्पेक्ट्स बता दिए कि कैसे वो लेता है डाटा को, कैसे उसे प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है। तो ये जो है एक लैंग्वेज के वो होते हैं। ओके, आगे देखिए सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। She is a programming language developed at AT&T's Bell Laboratory of USC in 1972. देखिए C क्या है, एक programming language है जो कब develop हुई थी, 1972 में। कहाँ पर? AT&T's Bell Lab। ये AT&T Bell Lab कहाँ पर है? USA में है। और इसे किसने जो है invent किया था? Dennis Ritchie ने किया था। तो ये question पूछा जाता है कि C को invent किसने किया था? Dennis Ritchie ने किया था। कब किया था? 1972 में किया था। और कहाँ पर किया था? AT&T's Bell Laboratory USA में जो है इसे invent किया था। ठीक है, तो यही यहाँ पे important है। आगे देखिए क्या होता है, लेट अस नाउ सी द हाउ डज सी कंपेयर विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू। देखिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक होती है हमारी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, और दूसरी होती है मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस या फिर लो लेवल लैंग्वेज आप कह सकते हैं जिसे। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होते हैं, दीज लैंग्वेज हैव बीन डिजाइन टू गिव ए बेटर प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी, जो क्या दे बेटर प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी अगर हमें दे फास्टर रखे, वो क्या होती है हाई लेवल प्रोग्राम होती हैं, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो उनमें जो मेन होती है वो होती है फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, ये सारी क्या होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी कि क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल जरूर याद रखिए क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल पूछा भी गया है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आ भी चुका है एसआई या कांस्टेबल किसी एक पेपर में था कि इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये पूछा गया था। तो फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, ये सारी क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अब देखते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस और मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज हैव बीन डिजाइन टू गिव ए बेटर मशीन एफिशिएंसी दैट इज फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज फॉलिंग इन दिस कैटेगरी आर असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, और सी जो है स्टैंड करती है इन बिटवीन दीज टू कैटेगरीज, सी जो है इन दो कैटेगरीज के बीच में, यानी कि सी क्या है एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ओके, तो सिर्फ तीन चार बातें याद रख लीजिए कि सी को इन्वेंट डेनिस रिची ने किया, कब किया, 1972 में किया, कहाँ पर किया, AT&T's Bell Lab में किया, सी कैसी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेजेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल याद रख लीजिए फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, दैट्स इट। और मशीन में आप याद कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेजेस है, दैट्स इट। इतना ही था। ओके, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था इनमें से कौन सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, और ऑप्शंस थे आपके पास फोर्ट्रान था, पास्कल था, असेंबली था और सी था। ये चार ऑप्शन थे आपके पास कि इनमें से कौन सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, वो है असेंबली लैंग्वेज। तो सी ऑप्शन वहां पर ठीक हो जाता। ओके, अभी देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होता है। तो देखिए इसका जो मेन प्रोग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है टर्बो सीसी प्लस कंपाइलर में। देखिए सबसे पहले इंक्लूड stdio डॉट लिखा होता है, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिखा होता है, देन void main एंड दिस। ये जो चार लाइनें होती हैं वो हर एक प्रोग्राम में सेम होती हैं। अगर आपके पेपर में कभी सॉल्व करना आएगा प्रोग्राम तो ये चार लाइनें नहीं मिलेगी आपको, आपको प्रोग्राम मिलेगा इस कर्ली ब्रेसेस के बाद से शुरू होगी जो मिलेगा। ओके, क्योंकि ये सभी में सेम होती हैं। ओके, होता क्या है ये वो देखते हैं। देखिए stdio डॉट एच अगर बात करें तो ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, क्या होती है stdio डॉट एच? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होती है जो क्या कंटेन करती है, स्टैंडर्ड इनपुट भी लेती है और स्टैंडर्ड आउटपुट भी लेती है। तो ये होता है stdio डॉट एच। ओके, उसके बाद मेन क्या होता है, मेन क्या होता है यहाँ पे, मेन का मतलब होता है कि यहाँ से अब जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम क्या बताते हैं कि यहाँ से एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंटिंग बिगिंस, ये दो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है,
ये होता है कमेंट सेक्शन। इन दो लाइंस के बीच में, मतलब इन दो सिंबल्स के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइलर उसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इनके बीच में चाहे आप कुछ भी लिख लीजिए वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बेसिकली इनका काम क्या होता है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कमेंट सेक्शन जिसे बोलते हैं, कि हम वहां पे बता दें कि हमने इस लाइन में ये किया या फिर हम जो है अब ये करने वाले हैं, तो सिर्फ हमें कमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा इन्होंने प्रिंटिंग बिगिंस, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये प्रिंटिंग बिगिंस वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन के बीच में आ गया और जो भी इसके बीच में आएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें प्रिंट क्या मिलेगा, ICI। रिमेंबर प्रिंट एफ किस चीज का काम करता है, आउटपुट फंक्शन जो होते हैं, हमारे आउटपुट जो मिलता हमें उसका काम किसके द्वारा किया जाता है, प्रिंट एफ का, या फिर कह सकते हैं कि प्रिंट एफ कैसा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है। इसके अलावा स्कैन एफ फंक्शन यूज किया जाता है, स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट देने के लिए। तो प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है और स्कैन एफ एक इनपुट फंक्शन है, एंड देन गेट सी एच और ये हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगी इसके आउटपुट, हमें इसकी आउटपुट सिर्फ इतनी मिलेगी ICI रिमेंबर, ये हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। बाकी प्रिंटिंग बिगिंस, प्रिंटिंग, गेट सी एच, ये कुछ भी नहीं मिलेगा आपको आउटपुट में। जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ ये ICI रिमेंबर, ये इसकी आउटपुट होगी। अगर कोई सिंपल सा प्रोग्राम पूछा जाता है और यहाँ पे आपको प्रिंट एफ में जो दिखेगा वही आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था एक सिर्फ इसके सैंपल प्रोग्राम कह सकते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम बनती है इसमें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कि सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता कैसे है। देखिए, एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम रिटन इन सी इन्वॉल्व्ड सीरीज, मतलब इसमें भी कुछ स्टेप होते हैं। क्या करते हैं हम, पहले एग्जीक्यूट तो बाद में होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम को क्रिएट करना पड़ेगा कि हम जैसे क्रिएटिंग द प्रोग्राम, फिर क्या करेंगे प्रोग्राम को कंपाइल करा के ही देखेंगे। ठीक है, अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो वो हमें कंपाइल टाइम पे दिख जाएगी, फिर जो है कंप्यूटर हमारा क्या है उसको जो है एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। जब तक हम उस एरर को ठीक नहीं करेंगे कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्रोग्राम को। ठीक है, इसीलिए कंपाइल किया जाता है पहले, कि अगर कोई एरर है तो कंप्यूटर हमें बता देता है कि इसमें ये एरर है, फिर हम उसे ठीक करते हैं, देन अगेन कंपाइल करके देखते हैं, अगर हमारा कंपाइल हो जाता है तो फिर हम उसे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है कंपाइल द प्रोग्राम, देन लिंकिंग द प्रोग्राम विद फंक्शन दैट आर नीडेड फॉर्म। लिंकिंग द प्रोग्राम क्या है, यानी कि अगर हमें कुछ वैल्यू वगैरह डालनी है तो हम कंपाइल टाइम पे वैल्यू डाल देंगे एंड देन रन करेंगे, देन क्या होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ओके, तो ये होता है सी प्रोग्राम, क्रिएट, कंपाइल, लिंकिंग एंड देन एग्जीक्यूट, ये चार स्टेप होते हैं इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है सी टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, देखिए, इन ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन। किसी भी पैसेज में इंडिविजुअल वर्ड हो या पंक्चुएशन मार्क्स हो, वो सारे क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। पैसेज ऑफ टेक्स्ट की बात हो रही है, सिमिलरली ऐसा ही जो है सी प्रोग्राम में होता है, जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होगी उसे क्या कहेंगे, सी टोकन्स बोलेंगे। सी के जो टोकन्स होते हैं वो भी 6 तरीके के होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर होता है, कॉन्स्टेंट होता है, स्ट्रिंग होता है, स्पेशल सिंबल होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिए सी में जो है 6 तरीके के टोकन्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड देयर मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। ये जितने भी कीवर्ड जो है आपको, इनका मीनिंग जो है फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड दी गई है, टोटल कीवर्ड पूछ लिए जाते हैं कि टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं जो मतलब क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं जिनका मीनिंग। तो आप यहाँ पे आई थिंक 32 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, yes, 32 जो है ये होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, जिनका मीनिंग क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं हो सकता है। तो 32 कीवर्ड्स को याद कर लीजिए, इसमें से अगर क्वेश्चन देते हैं तो वो आपको क्वेश्चन देंगे कि चार को ऑप्शन दे देंगे आपको और बोलेंगे कि इनमें से जो कीवर्ड नहीं है वो बताइए। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यहाँ से यही पूछा जाता है, या तो टोटल कीवर्ड्स पूछेंगे कितने होते हैं सी में, या फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो ये कीवर्ड होते हैं, ऑटो होगा, ब्रेक हुआ, केस हुआ, कैर हुआ, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गो टू, इफ, INT, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ स्टेटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, अनसाइंड, वोलाटाइल और वाइल। साइंड आया है यहाँ पे, दो बार अनसाइंड लिखा हुआ है, तो ये होता है साइंड और अनसाइंड।
ठीक है, साइंड होता है एक और सेकंड जो होता है वो अनसाइंड होता है। तो ये होती हैं कीवर्ड्स जो यूज की जाती हैं सी में और जिनका मीनिंग जो है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब देखते हैं वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल फंक्शन एंड एरेज। देयर आर यूजर डिफाइंड एंड कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट्स विद द लेटर एज ए फर्स्ट कैरेक्टर। बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर परमिटेड। ऑल्सो लोअर केस लेटर्स आर कॉमनली यूज्ड। द अंडरस्कोर कैरेक्टर इज ऑल्सो परमिटेड इन आइडेंटिफायर। इट इज यूजली यूज्ड एज ए लिंक बिटवीन द वर्ड इन लॉन्ग आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर देखिए, नेम ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है या एरे का नाम हो सकता है। ओके, ये यूजर डिफाइंड नेम होते हैं और किससे बनते हैं? इसमें मतलब जो नेम देंगे हम वो लेटर भी हो सकता है और उसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं। ओके, विद ए लेटर एज ए फर्स्ट कैरेक्टर। जो मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे मैं वो बता देती हूँ आपको। यहाँ से जो सीखने की चीज़ है वो है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आइडेंटिफायर में से। आपको वो चार ऑप्शन देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर नहीं है। तो हमने अभी सीखा कि देखिए लेटर और डिजिट्स जो है दोनों होते हैं, लेकिन जो शुरू होता है वो किससे होता है? फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू होता है और इसमें अपर केस और लोअर केस जो है दोनों ही परमिटेड होते हैं, लेकिन मेनली लोअर केस जो है यूजली यूज किया जाता है और अंडर स्कोर कैरेक्टर इज ऑल्सो परमिटेड। तो अंडर स्कोर जो है उसको भी यूज किया जाता है। तो जिसमें जो है ये चीजें यूज नहीं की हो गई होगी वही जो है वहां पे सही हो जाएगा आंसर, कि जो इसमें से नहीं है वो पूछा जाए तो। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें वो कैसे देगा आपको? मान लीजिए उसने ये कहा कि जो लेटर होगा मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा लेटर होगा। अगर वो आपको दे देगा कि ए थ्री और अंडर स्कोर फाइव दे दिया एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दे दिया उसने ए बी अंडर स्कोर, देन दे दिया उसने सी ए अंडर स्कोर थ्री और फोर्थ में दे दिया उसने थ्री ए अंडर स्कोर, तो इसमें से कौन सा आइडेंटिफायर नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? जो डिजिट से शुरू होगा। ओके, तो ये जो है इसमें सही हो जाएगा क्योंकि बाकी में उसने क्या कहा, लेटर से जो है स्टार्ट होंगे वो आइडेंटिफायर्स होंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? सी में कांस्टेंट रेफर्स टू ए फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट जो होते हैं वो होती है फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं होती है, जो एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम उसके मतलब उस पर भी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। वो वैल्यूज जो है हम कभी चेंज कर ही नहीं सकते, वो क्या होती है? फिक्स्ड होती हैं। ओके, तो वो होती है कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें दो तरीके की जो होती हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल जैसे 1, 2, 3 हो गया, -3, 2 हो गया, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट हो गया। रियल कांस्टेंट कौन से हो जाते हैं? 0.0083 वाले, तो रियल जिसमें डेसिमल्स वैल्यू चले। ओके, उसके बाद है जिसमें प्लस माइनस दोनों हुए और डेसिमल में भी हो। उसके अलावा कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट में देखिए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। सिंगल कैरेक्टर मान ले 5 ले लिया, ये भी क्या है? एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। x ले लिया, सिंगल कैरेक्टर है। या फिर 9 ले लिया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो ये होती है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है? हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट होती है मतलब पूरी एक सीरीज बनती है, उसमें जैसे नाम हो गया, हेलो हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी हो गया, ये क्या है? स्ट्रिंग है। सिर्फ एक करेक्टर है सिंगल, चाहे वो डिजिट हो चाहे वैसे अल्फाबेटिकल हो, वो हमारी स्ट्रिंग करेक्टर हो जाएगी। ठीक है, और इंटीजर कांस्टेंट जिनमें कोई भी वैसी वैल्यू ना हो डेसिमल वाली, वो होती है हमारी इंटीजर। और रियल में क्या होती है? फ्लोटिंग वैल्यूज, जो डेसिमल वैल्यूज होती है वो रियल कांस्टेंट में जाती हैं। ओके, उसके बाद देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज ए डाटा नेम दैट मे बी यूज्ड टू स्टोर ए डाटा वैल्यू। ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, तो ये ना भी पड़ेगा कुछ भी चल जाएगा। सिर्फ इतनी याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेरिएबल क्या होता है। डाटा नेम होता है जिसे हम यूज करते हैं टू स्टोर ए डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो हम डाटा नेम यूज करते हैं वो होता है हमारा वेरिएबल नेम। ठीक है, आगे है डाटा टाइप। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सी कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कैटेगरी ऑफ डाटा टाइप। दो तरह के डाटा टाइप होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डाटा टाइप और सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप की अगर बात करें, प्राइमरी डाटा टाइप में इंटीजर फ्लोट और कैरेक्टर आ गया, और सेकेंडरी डाटा टाइप में एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन और एनम होता है। ओके, फिर इनकी जो है रेंज पूछी जाती है। मेन तो आप जो है आईएनटी कैर और फ्लोट की याद कर लीजिए। जो आईएनटी की रेंज होती है वो होती है 3 to 7, 6, 8 to 3 to 7,
सिक्स सेवन, और ये कितने बिट्स का होता है, 16 बिट्स का। कैर जो है वो 8 बिट्स का होता है, और फ्लोट 32 बिट्स का होता है। कैर की जो रेंज होती है वो -128 to 127 होती है, फ्लोट की जो है वो 3.4E से 38 to 3.4E+38 होती है। तो इसकी रेंज जो है ये पूछी जा सकती है, ये याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे जो दिया गया है, रीडिंग डाटा फ्रॉम कीवर्ड्स, वही मैंने आपको स्कैनफ का फंक्शन बताया था जो इनपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वही इंक्लूड stdio.h, conio.h और void.h, मैंने बताया यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। फिर हमें दो नंबर्स का सम चाहिए, तो हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए int में हमने दो नंबर डाले कि एक नंबर x है, दूसरा y है, और हमें इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो इसमें ना सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ओके। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं, अगर हम ये डालेंगे ही नहीं, अगर उसको बताएंगे नहीं कि हमें क्या चाहिए, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। फिर हमने प्रिंट एफ क्या डाला, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। स्कैन एफ परसेंटाइल डी एंड एक्स, यानी कि जो हम वैल्यू डालेंगे एक्स की वो किस में डालेंगे, इसमें डालेंगे, और यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिलेगी, यानी कि आउटपुट यहाँ से मिलेगा और यहाँ से हम इनपुट देंगे। देन प्रिंट एफ हमने फिर दोबारा किया कि एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पे ये आएगा, एंटर द वैल्यू, फिर वैल्यू ऑफ वाई की जो है वैल्यू एंटर करनी है, देन स्कैन एफ परसेंटाइल डी एंड वाई। एक चीज़ याद रखिए, ये जो भी फंक्शन होते हैं प्रिंट एफ स्कैन एफ, इनके पीछे हमेशा सेमी कॉलन आता है। कई बार जो है वो प्रोग्राम में यही एरर डाल देता है, ठीक है, सिंटैक्स की एरर, कि किसी में वो आपको सेमी कॉलन ना लगाएगा, तो वो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे वो प्रोग्राम कभी रन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन में आपको वो भी देगा कि ये प्रोग्राम कांट रन, या प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये साइन जो है ये ज़रूर देखेगा कि एवरी स्टेटमेंट इन सी एंड विद कॉल एंड विद सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से जो है वो एंड होगी, ओके। फिर प्रिंट एफ हमने क्या किया कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है सम मिल जाएगा। पहले क्या होगा, अगर जब हम कंपाइल करेंगे तो वो चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है, अगर चेक नहीं, मतलब एरर नहीं है, तो वो लिंक कराने के लिए वो आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछेगा कि एक्स की वैल्यू कितनी डालूँ और वाई की वैल्यू डालो। तो आपने अगर जब हमने कंपाइल किया तो हमने डाल दी एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 3 है, हमने ये दो डाल दी। तो हमें जब इसको दोबारा से, ये तो कंपाइल हो गया, उसके बाद जब हम इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट करने लगेंगे, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, सम कितना मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम चलते हैं, ओके। ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लूप लगाकर जो प्रोग्राम होते हैं वो नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम आगे बात करते हैं हम ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता है, तो देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेटर होते हैं। सी ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरी, सबसे पहले जो बात आती है वो होता है अर्थमैटिक ऑपरेटर। अर्थमैटिक ऑपरेटर कौन सा होता है, प्लस वाला, यानी कि एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मोडुलो, ये क्या है, ये हैं अर्थमैटिक ऑपरेटर। इसमें देख लीजिए, अर्थमैटिक ऑपरेटर में जब हमने क्या किया, हमने दो नंबर्स लिए ए और बी, हमने सबसे पहले इसमें सब्सट्रैक्शन वाला जो ऑपरेटर लगा दिया, तो आगे हमारा आंसर 10। जब हमने एडिशन लगाया तो 14+4 18 हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में 56 हो गया, और ए बाई बी डिवीजन लगाया तो 3 हो गया, और उसके बाद मॉडुलो लगाया तो 2 आ गया। ये मॉडुलो में क्या आते हैं, मॉडुलो में आता है रिमाइंडर जो बचता है ना हमारे पास, वो आता है। जब हम 14 से 4 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 12 आएगा, तो 2 रिमाइंडर आएगा, मतलब 2 पे कट करेगा, ये 2 आ जाएगा कौन सा, ठीक है, मॉडुलो में ये आता है, 4 3 12 होता है, तो रिमाइंडर आ जाएगा, सॉरी 4 3 12 होता है, तो 2 जो रिमाइंडर बचता है वो मॉडुलो में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, ये तो अर्थमैटिक ऑपरेटर हो गया, हमें 5 पता चल गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो, ये हो गया अर्थमैटिक ऑपरेटर। फिर आती है बात रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जीने के नहीं, सॉरी कंडीशनल अलग होता है, लेकिन हम इसमें कंडीशन चेक करते हैं ना कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो ये साइन होते हैं, ये साइन याद रखिए। देखिए लेस देन इस तरीके से होता है, फिर लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन उस तरफ मुंह हो जाएगा इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये याद रखिए, कई बार इन्हीं में मिस्टेक देते हैं कि इन्हें आगे पीछे कर देते हैं, या जब हम ग्रेटर देन लिख रहे हैं तो इसके सामने जो है इक्वल का साइन आएगा, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से साइन मिले तो मीन्स वो गलत है, ओके। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन जब भी होगा इक्वल उसके सामने जाएगा, ठीक है। तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। इक्वल टू को डबल इक्वल टू लिखा जाता है, सिंगल से काम नहीं चलेगा, नॉट इक्वल टू ऐसे लगाइए और इक्वल लगा दीजिए, ये होता है नॉट इक्वल टू, और ये होता है इक्वल टू डबल वाला, ठीक है। तो सिंबल जो है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए
इसमें जो है कैसी होती है, जो इसकी वो होती है आउटपुट, वो होती है लॉजिकल, मीन्स इसमें हम ट्रू और फॉल्स बताते हैं। हम देखिए 10 बड़ा है 20 से, तो इसमें जो हमें आंसर मिलेगा वो या मिलेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू है, ट्रू है। क्या 10 मतलब यहाँ पे 10 लेस देन 20 था, आप बोले कि 10 ग्रेटर देन 20, क्या है ये? नहीं। तो कैसी हो जाएगी स्टेटमेंट? फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चलता है, या फिर 20 100 का है तो ये फॉल्स हो गई। ठीक है, जनरल फॉर्मेट देखिए इसको लगाने का क्या, पहले ऑपरेंड 1 लगाया, फिर रिलेशनल ऑपरेट और फिर ऑपरेंड 2। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड होते हैं ये जो 10 20 हम डाल रहे हैं ना, ये होते हैं हमारे ऑपरेंड। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ये साइन हमने पढ़े कि 10 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, या 10 इक्वल टू 20 है, या 10 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 20 है। तो ये जो बीच में साइन होता है ये तो होते हैं ऑपरेटर, और जो 10 20 हो ये क्या होते हैं? हमारे ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी जनरल फॉर्मेट, ये रिलेशनल ऑपरेटर बीच में और दोनों साइड इसके ऑपरेंड आएंगे। ओके, इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में भी जो है 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो लॉजिक गेट से रिलेटेड था। वो लॉजिक गेट में अगर आप उसे समझेंगे ना, कि जो उन्होंने आपको, मैंने क्वेश्चन ये कराया भी था आपको, उसने कुछ दिया हुआ था कि ए एंड बी है और फिर और का साइन दिया था, कुछ इस तरीके का दिया हुआ था उन्होंने, वो हमने सॉल्व भी किया था उसमें। तो वो हम उसमें देखेंगे, लॉजिक गेट करेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना सीख लीजिए कि ये जो डबल साइन होता है ये होता है लॉजिकल एंड का, ये होता है लॉजिकल और का, और ये होता है लॉजिकल नॉट का। ठीक है, ये साइन जो है याद रख लीजिए। इसमें क्या होता है, जब लॉजिकल एंड दिया होगा तो इसमें क्या होगा, जब दो नॉन जीरो वैल्यू होंगी, दो नॉन जीरो मतलब 1 1 मान लेते हैं, तो दो नॉन जीरो वैल्यू है तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, मीन्स ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे 1 को ट्रू माना जाता है और 0 को फॉल्स माना जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर ये होते हैं जिसमें हम ट्रू और फॉल्स ही देखते हैं सिर्फ। ओके, जिसकी लॉजिकल एंड की ट्रूथ टेबल होती है ना, वो इस तरीके से बनती है कि नॉन जीरो और नॉन जीरो मिलकर जो आएगी वो क्या बनेगी, 1 बनेगी, यानी कि ट्रू बनेगी। अगर हमारे पास नॉन जीरो है और एक जीरो है तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा जीरो आएगी, मतलब फॉल्स आएगी। फिर हमारे पास जीरो और नॉन जीरो है तो भी हमारी जो आउटपुट होगी वो जीरो होगी, और अगर हमारे पास जीरो जीरो है तो भी हमारी आउटपुट जीरो होगी। तो मीन्स लॉजिकल एंड के लिए हमें दोनों ही कैसे चाहिए, नॉन जीरो वैल्यूज चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए उसमें, तभी हमारा क्या आएगा, ट्रू आंसर आएगा। लेकिन लॉजिकल और में क्या होता है, अगर हमारे पास एक भी नॉन जीरो है तो भी हमारा काम बन जाएगा, अगर हमारे पास दोनों जीरो होगी तब हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज अगर हमारा जीरो वन है तो हमारा ट्रू हो जाएगा, 1 0 है तो ट्रू हो जाएगा, 1 1 है तो ट्रू हो जाएगा आंसर। तो ये होता है लॉजिकल और, मतलब कि लॉजिकल और से ही पता चल रहा है कि कोई भी एक स्टेटमेंट होगी हमारे पास काम चल जाएगा। लॉजिकल एंड में दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, जीरो से काम नहीं चलेगा। ठीक है, लॉजिकल एंड में क्या होता है, लॉजिकल नॉट में तो 1 0 होता है, 0 1 होता है, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, 1 0 0 1 याद रख लीजिए, बस इतना ही होता है। उसके बाद बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल साइन। ठीक है, इसे किसके द्वारा दिखाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, इक्वल साइन के द्वारा। जैसे देखिए, अब हमने कहा एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू है 3। अब अगर हम ये कहें कि एक्स प्लस इक्वल टू वाई प्लस 1, इसका मतलब क्या है, इस x का मतलब, ये x प्लस जो लगा दिया, x प्लus के आगे हमने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ये लिख दिया x प्लस इक्वल टू वाई प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस 1 के। ठीक है, या फिर अगर हम कोई और एग्जांपल लें कि ऐसे मान लेते हैं हम, जैसे x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x, x में प्लस हो गया तो यहाँ पे x प्लस 3 लिख देंगे हम, तो ये इसके बराबर होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है एक इस तरीके से यूज किया जाता है, कभी भी x प्लस इक्वल टू 3 आपको अगर प्रोग्राम में भी दिखे तो इसका मतलब होगा x इक्वल टू x प्लस 3, वहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से ही दी होती है, तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये होता ना कि x माइनस इक्वल टू 3 दे दिया उसने, तो क्या होता है, इसका मतलब x इक्वल टू x माइनस 3 हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज करना, तो प्लस प्लस,
और डिक्रीमेंट कुछ डिक्रीज करना, तो माइनस माइनस बोथ आर क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। तो ये पूछा जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे ऑपरेटर है, तो यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ओके, प्लस प्लस एम इज इक्विवेलेंट, यानी कि प्लस प्लस जो एम लिखा है उसमें मतलब क्या है कि एक वैल्यू को हम बढ़ा रहे, तो एम में जो है हम एम प्लस वन करें, यानी कि हम मान लेते कि एम में हमारी वैल्यू वन थी, फिर हमने लिखा प्लस प्लस एम, प्लस प्लस एम सीधा ये भी बता सकते कि एम में वैल्यू एक इंक्रीज कर देनी है तो दो हो जाएगी वैल्यू, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते कि एम में हमारी वैल्यू, पहले एम में हमारी वैल्यू वन थी तो वन प्लस वन कितनी होगी, टू होगी। बात वही है, यहाँ से भी आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, और माइनस में क्या होगा, एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट उसमें यूज किया जाता है प्रोग्राम में। तो अगर यहाँ पे ये लिखा हो प्लस प्लस एम, तो ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। अगर हमारे पास लिखा हो एम प्लस प्लस, तो ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। ये प्रोग्राम में किस तरीके से यूज किया जाता है, देखिए कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए प्लस प्लस वैल्यू शुरू में लगा दी, तो वहीं पर जो है कोई वैल्यू अगर वन थी वो तुरंत दो होके प्रिंट होगी, जब प्रोग्राम हमारा जो आउटपुट मिलेगी वो हमें प्रिंट में क्या मिलेगा, सबसे पहले दो मिलेगा। ठीक है, अगर यही वैल्यू अगर हमारे पास एम प्लस प्लस है और हमने जैसे ही लगाया कि वन लगाया, तो पहले हमारा वन प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट होने के बाद वैल्यू बढ़ेगी। इसमें क्या था, डायरेक्टली वैल्यू बढ़ गई, प्रिंट होने से पहले यहां पर दो हो चुका है, लेकिन इसमें पहले एक वैल्यू प्रिंट होगी और बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर में आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर पूछा गया था, तो ये साइन आपसे पूछा गया था कि ये साइन किस चीज का है, एसआई का पेपर था शायद, कि ये साइन किस चीज का है, तो ये था कंडीशनल ऑपरेटर का। ये किस तरीके से होता है, कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो याद रखिए, अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा हमने, अनरी ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर कैसा होता है, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, इज अवेलेबल इन सी टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन, जिसमें एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री, ये पहले एक्सप्रेशन वन के बाद जो है क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन टू कोलन, एंड देन एक्सप्रेशन थ्री। इसमें क्या होता है कि कैसे काम करता है, इसमें पहले हम एक्सप्रेशन वन को चेक करते हैं, अगर वो हमारा ट्रू हो जाता है तो हम एक्सप्रेशन टू को इवेलुएट करते हैं, अगर हमारा नहीं सॉरी एक्सप्रेशन वन ट्रू है तो हम एक्सप्रेशन टू को इवेलुएट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन थ्री को इवेलुएट कर देंगे। ठीक है, तो ये करता है कुछ इस तरीके से काम। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में देख लीजिए, ये साइन होते हैं, ये साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके का साइन होता है वंस कॉम्प्लीमेंट का, ये उस तरफ मुंह मतलब राइट साइड की तरफ अगर इसका फेस है तो ये हो जाएगा राइट शिफ्ट। ठीक है, अगर लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। बिटवाइज एंड को कुछ इस तरीके से पी सा बना दिया इन्होंने, और एक जो सीधा डंडा होता है ये बिटवाइज ओर का होता है और ये बिटवाइज एक्सओर होता है। ठीक है, तो इनके नाम जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर कभी किसी नंबर का आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 111, बाइनरी में यही होता है मशीन लैंग्वेज में, तो हमें अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि वन की अगर जो हमसे नंबर दिया, अगर उसमें वन है तो वहां जीरो कर दीजिए, और जहां पर जीरो है वहां पर वन कर दीजिए। अब यहाँ पे तो वन 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 है तो सारी जगह जो है जीरो हो जाएगी, तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हमारे पास जो है नंबर होता है कुछ इस तरीके से 010110, तो इसका वन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जीरो की जगह वन और वन की जगह जीरो, तो जीरो की जगह वन हो जाता है, वन की जगह जीरो, देन जीरो की जगह फिर से वन, वन वन की जगह जीरो जीरो, और जीरो की जगह वन हो जाता है। तो ये होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जिसमें जीरो वन में और वन जीरो में चेंज होता है। ठीक है, राइट शिफ्ट क्या होता है, राइट में जो है एक चीज शिफ्ट कर देना, किस तरीके से देख लेते हैं एक बार। राइट शिफ्ट भी और लेफ्ट शिफ्ट भी वही होता है, देखिए 110 10, इसमें क्या करेंगे हम राइट से जो है एक नंबर को हटा देंगे और उसे वहां पे पुश करते जाएंगे। मान लीजिए हम इस जीरो को हटा देते हैं यहाँ पे, तो इस जीरो की जगह अब ये आता जाएगा, जैसे वन आ गया, देन यहाँ पे जीरो आ गया, देन यहाँ पे वन, एंड देन वन, और जो ये स्पेस खाली बच जाएगा वहां पर जीरो लगा दीजिए। ये होता है राइट शिफ्ट। सेम अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट बताना हो तो हम कैसे करेंगे, इस बार हमने राइट से हटाया, इस बार हम लेफ्ट से हटा देंगे। ठीक है, लेफ्ट से हटा देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास। कैसे, देखिए अब ये वन था, इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पे इसकी जगह वन आ जाता है, इसकी जगह फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे वन हो जाएगा, देन जीरो हो जाएगा, और जो ये बचेगा वहां पे क्या कर देंगे, वहां पे ऐड कर देंगे किसे, जीरो को। ठीक, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बिट्स जो होंगी
वो किस साइड शिफ्ट होंगी, वो लेफ्ट साइड होंगी और राइट में राइट की साइड शिफ्ट होती जाएंगी और एक कट जाएगी, जो खाली स्पेस बचेगा उस पर जीरो भर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ वो भी करवाए थे, एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट हमने पढ़ी थी, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारी, या फिर लूपिंग वाली जो थी इटरेशन, वो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में देखते हैं हम, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट होती है, क्या होती है, और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की, तो इफ स्टेटमेंट का देख लीजिए कुछ इस तरीके से होता है जनरल फॉर्मेट, कि हम इफ में कोई कंडीशन डालेंगे एंड देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, कोई कंडीशन डाली हमने, एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट। कब होगी लेकिन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, जब कंडीशन ट्रू होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा सीधा, ओके। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर एक कुछ इस तरीके से होता है कि इफ टेस्ट एक्सप्रेशन डाला स्टेटमेंट एक्स, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो स्टेटमेंट वाई जो है हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरीके से जो है ये इफ एल्स जो है काम करता है। विद फ्लो चार्ट देखेंगे इजिली समझ आएगा आपको। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो इफ का देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने एंट्री यानी कि जो हम स्टार्ट डालते थे वो हो गया, स्टार्ट हमने टेस्ट कंडीशन डाली, अगर हमारी टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी देन टर्मिनेट होगा। अगर हमारी टेस्ट कंडीशन जो है पहले ही फॉल्स हो गई तो सीधा क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, स्टेटमेंट कोई एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। ये होता है सिर्फ इफ स्टेटमेंट हो। अब आ जाती है सिर्फ यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट थी, अगर कभी दो स्टेटमेंट हो तो वहां पे लगाते हैं हम इफ एल्स। कैसे, एंट्री की टेस्ट कंडीशन डाली, अगर ट्रू है स्टेटमेंट तो हमारी स्टेटमेंट एक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगी और टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, अगर हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी ये वाली एग्जीक्यूट जो है स्टेटमेंट होगी देन टर्मिनेट होगा। तो जिसमें दो कंडीशन होती है तो उसमें अगर पहले वाली अगर ट्रू होती है तो वो हो जाएगी, अदरवाइज जो है सेकंड जो है वो खुद ब खुद जो है अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर उसमें वो चेक नहीं करेगा कि ट्रू है या फॉल्स, ऑब्वियस है वो फिर ट्रू ही होगी, ठीक है, तो फॉल्स वाला जो है तब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है इफ एल्स, इसमें आप देख भी सकते हैं। देखिए देखिए इफ कैटेगरी इक्वल टू स्पोर्ट्स, अगर हमारी कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स के इक्वल है, अगर कोई प्रोग्राम हमने दे रखा है और हमारी कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स के इक्वल आ गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मार्क्स, मार्क्स प्लस बोनस मार्क्स जो है वो आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारे सीधे मार्क्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमारी ये चीजें ट्रू हो जाती है तो सीधा मार्क्स जो है वो क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ठीक है, ये था इफ का। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट हो तो किस तरीके से, अब जनरल फॉर्म देख लेते हैं। इफ हमने टेस्ट कंडीशन डाली यहाँ पे, स्टेटमेंट एक्स ट्रू, एल्स स्टेटमेंट वाई फॉल्स। अगर हम टेस्ट कंडीशन अगर हम मान लेते हैं, चलो मान के चलते हैं कि हमने कोई कंडीशन डाली कि फाइव जो है वो है ग्रेटर देन थ्री। अब हम चेक करते हैं कि क्या फाइव हमारा ग्रेटर देन थ्री है, तो हम स्टेटमेंट एक्स में डालते हैं कि फाइव इज बिग और यहाँ पे लिख देते हैं थ्री इज बिग, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए हमारे पास ये कंडीशन थी कि क्या पांच तीन से बड़ा है, स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट खुद ब खुद जो है प्रिंट हो जाएगी कि फाइव इज बिग। लेकिन अगर हमारा होता कि थ्री जो है वो क्या कहते हैं उसे, थ्री जो है हमारा लेस देन है फाइव से, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, थ्री बड़ा है फाइव से, हम ये मान लेते कि तीन बड़ा है पांच से, जब हमने ये टेस्ट कंडीशन चेक की कि तीन बड़ा है पांच से, क्या ये ट्रू है, नहीं है, तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि जब अगर हमारी ट्रू है तो हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और जब अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट का इतना यूज नहीं किया जाता, अगर हमारे वीक हमें अगर अपने वीक डे वगैरह दिखाने हैं तो उसमें हम जो है स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। बाकी जो इसमें मेन चीज यूज की जाती है वही यही पूछता है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है कहाँ यूज की जाती है, तो ये स्विच केस में जो है ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है, ओके। नेक्स्ट है व्हाइल लूप स्टेटमेंट, व्हाइल लूप और डू व्हाइल, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये क्या होती हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी इज द व्हाइल स्टेटमेंट, व्हाइल में क्या होती है, टेस्ट कंडीशन एंड देन बॉडी ऑफ द लूप। देखिए व्हाइल लूप को पूछा जाता है एंट्री, व्हाइल लूप को बोला जाता है सॉरी एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप क्यों, कि हम जैसे ही एंट्री लेंगे हमारी कंडीशन चेक होगी, और जैसे ही अगर हमारी पहली कंडीशन पे अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एक बार भी वो जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्रोग्राम को, ओके, रन नहीं होगा अच्छे से। तो
ये होता है, इसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं कि अगर फॉल्स हो जाती है तो स्टेट वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो देन इंक्रीमेंट होगी वैल्यू में और वो चलता रहेगा. ये हमें आपको बता चुकी हूँ, अगर इंक्रीमेंट नहीं होती तो वो इनफाइनाइट लूप चलता रहता है, अगर इंक्रीमेंट हो जाती है तो एक मतलब कहीं ना कहीं जाकर फिर वो स्टॉप हो ही जाता है अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है. तो यही जो है इसमें दिया गया. देखिए इसमें हमने ले लिया आई एन टी एन एच आई एन टी सम जीरो एन इक्वल टू वन, फिर हमने लूप लगाया कि एन जो है वो लेस देन इक्वल टू टेन है. अब आप एन में देखिए वन वेन वैल्यू है, क्या वन जो है वो लेस देन इक्वल टू टेन है, बिल्कुल है. तो यहाँ पे आके सम में क्या हो जाएगा, सम प्लस एन स्टार एन हो जाएगा, देन एन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, एन की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, क्योंकि एन प्लस वन है तो वन प्लस वन टू. देन यहाँ से ये दोबारा से चेक करने जाएगा, यहाँ पे दिया भी गया है फ्लो चार्ट में, आप देख सकते हैं कि बॉडी ऑफ द लूप जो टेस्ट हो जाएगी अगर वो ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगी बॉडी ऑफ लूप, देन उसमें इंक्रीमेंट होगा, देन अगेन वो जो वापस से चेक होगी. अब हमारी वैल्यू दो हो चुकी है, फिर से वो चेक करेगा कि दो बड़ा या छोटा है मतलब उससे, तो वो चेक करता रहेगा ऐसे तब तक जब तक 11 नहीं आ जाएगा. जब मान लीजिए 11 आ गया, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तब क्या होगा, जब हमारी सीधी कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा यहीं पर. ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स प्रोग्राम स्टॉप, अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहती है तो बार बार इंक्रीमेंट होती रहेगी और हमारा ये चलता रहेगा इस तरीके से. इसलिए जो है फ्लो चार्ट, मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट का यूज क्या होता है, इस फ्लो चार्ट को देखकर आप इजीली समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ. ओके, तो एक चीज याद रखिए, एंड जो वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फर्क होता है वो बता रही हूँ मैं. वाइल लूप होता है एंट्री कंट्रोल लूप, कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे उसमें आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. लेकिन डू वाइल में हम क्या करते हैं, पहले हमारी जो है एक बार जो है वो क्या होता है, चलता है, उसके बाद स्टेटमेंट चेक होती है. तो इसे हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, यानी कि एक बार तो वो रन होगा ही, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे. तो इसमें एक स्टेटमेंट जो है डू वाइल लूप में जरूर एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होती है, इसमें ये फर्क होता है इन दो में. ओके, इसका दो होता है डू, बॉडी ऑफ द लूप, यहाँ पे पहले जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन इसमें कंडीशन लगेगी कि इंक्रीमेंट होगा या नहीं. और के इसको प्रोग्राम के द्वारा देखते हैं, इसमें देखिए ये है स्टार्ट किया हमने, इनिशियलाइज किया, बॉडी ऑफ द लूप जो है वो हो जाएगी, उसके बाद जो है इंक्रीमेंट होगा. बॉडी ऑफ द लूप होने के बाद, इंक्रीमेंट होने के बाद, यानी कि अगर हमारी यहाँ पे इंक्रीमेंट वन थी तो वन वैल्यू पहले ही प्रिंट हो जाएगी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगी दो वैल्यू हो जाएगी, देन टेस्ट कंडीशन चेक होगी यहाँ पे. ये देखिए इसमें देखते हम, आई एन टी आई सम था, आई इक्वल टू वन था, सम इक्वल टू जीरो था. तो देखिए पहले ही जो है सम में क्या चला जाएगा, सम प्लस आई चला जाएगा, यानी कि सम में वन वैल्यू हो जाएगी और आई में जो है कितना हो जाएगा, आई प्लस टू था तो वन प्लस टू जो है वो थ्री प्रिंट जो है डू वाइल में पहले ही प्रिंट हो जाएगा. देन अगेन टेस्ट कंडीशन हम चेक करेंगे कि क्या सम जो है, क्या वन जो है वो छोटा है 40 से या थ्री जो है वो छोटा है 10 से, तो फिर जो है ये अगेन चेक होगा. तो ये एक होते हैं, तो याद रख लीजिए एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोला जाता है वाइल को और साथ साथ फोर को भी बोला जाता है, और इसके अलावा एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोला जाता है डू वाइल को, जिसमें एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा बाद में कंडीशन लगती है जब वो खत्म होने वाला होता है. ठीक है, उसके अलावा फोर लूप स्टेटमेंट है, फोर लूप में भी हम इनिशियलाइजेशन डालते हैं कि आई इक्वल टू, आई की वैल्यू हमारी वन है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि आई की वैल्यू वन है, देन आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए और आई में इंक्रीमेंट होना चाहिए, देन जो है प्रिंट एफ होता रहेगा. जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये बार बार लूप चलता रहेगा. ठीक है, इटरेशन वाला पढ़ा था हमने कि बार बार लूप जो है चलता रहेगा जब तक कंडीशन जो है हमारी फॉल्स नहीं हो जाती है, ट्रू है जब तक जो है चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम. ओके, तो ये था हमारा फोर लूप कि ये कुछ इस तरीके से चलता है कि पहले आई इक्वल टू वन डाला कि आई में वन है, वन देखिए वन 10 से छोटा है या नहीं है. ठीक है, फिर जो है आपका प्रिंट जो होगा वो वन होगा क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस दिया है, यानी कि प्रिंट होने के बाद वैल्यू बढ़ेगी. अगर हमारा प्लस प्लस आई होता ना तो सीधा वैल्यू दो प्रिंट हो जाती, लेकिन अब जो है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है तो पहले वन होगा देन अगेन दो वैल्यू होगी यहाँ पे इसकी जाके, फिर दो को चेक करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से जो है फोर लूप चलता है ये. बाकी जो है इसके प्रोग्राम जो हम नेक्स्ट में देखेंगे किस तरीके से सोल्व किया जाता है, और साथ साथ जो है एमसीक्यूज भी रहते हैं इसके कि कैसे एमसीक्यूज जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं. तो दो वीडियो बनेंगी, एमसीक्यूज और प्रोग्राम के एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से सोल्व करेंगे उन्हें. ओके, थैंक यू सो मच.